जय माता दी। जय माता दी। कहाँ से आए हो आप? धर्मशाला। धर्मशाला से कब आए थे आप सिमसा माता के मंदिर में? 4 साल पहले। 4 साल पहले आए थे। क्या फल दिया था माता रानी ने? बच्चा दिया था। बच्चा दिया था। शादी के कितने साल बाद हुआ ये बच्चा? 7 साल बाद। 7 साल बाद हुआ है। क्या बच्चा हुआ है? लड़का। लड़का जिनको माता रानी ने बच्चा दिया था और फल छोड़ा था इन्होंने मीट मच्छी। जब ये आप बच्चा लेके आए हैं तो आगे के लिए इनको इस चीज़ की आज्ञा मिल जाएगी। उस बीच आपने डॉक्टरी इलाज भी करवाया कोई? हाँ। फिर डॉक्टरों ने क्या बोला आपको? डॉक्टरों ने तो सब नॉर्मली बताया था सब। अच्छा जी। मतलब शादी के कितने साल बाद हुआ है? 7 साल बाद। 7 साल बाद हुआ है। ये धर्मशाला से आए, देवी के पास, धर्मशाला चामुंडा माता के मंदिर के पास से आए हुए हैं। ये सर परिवार आए हुए हैं और ये इनके घर में बेटा हो गया है। जब आए थे किस पुजारी के पास आए थे आप? उनका नाम याद नहीं है। अच्छा, नवरात्रों में आए थे। अच्छा अच्छा, नवरात्रों में आए थे आप। किसी भी पूजे सब प्रहलाद जी। अच्छा अच्छा, प्रहलाद पुजारी जी के पास आए हुए थे और ये धर्मशाला चामुंडा माता के मंदिर के पास से आए हुए हैं और फल चढ़ा रहे हैं। ये बकरा माता रानी अगर सपने में बच्चा दे तो मीट मच्छी छोड़ना पड़ता है। निसंतान के घर संतान देने वाली सिमसा माता की जय। माता दी, आगे के लिए आप क्या संदेशा देना चाहते हैं? जय शारदा माता की जय। संतान दात्री माता की जय। क्या संदेशा देना चाहते हैं आप? मतलब आगे कोई आए उनकी माता रानी सिमसा माँ सच्ची, उनसे जो भी मांगे वो जल्दी से दे देते हैं। अच्छा, जय माता दी।